सुशांत सिंह राजपूत के लिए कल बड़ा दिन है। बहुत बड़ी खबर सीबीआई की तरफ से आ रही है। क्या है ये खबर, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। दरअसल सीबीआई ने अब इस बात का फैसला कर लिया है कि कल धारा 302 के तहत वो केस दर्ज कर देगी। इतना ही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि कल जो है जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं वो उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा अहम ये बात है कि सीबीआई किस तरह का केस दायर करती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको नीरज का बयान बताया जो उसने टाइम्स को दिया, जिसमें उसका ये कहना है कि हाँ, सैमुअल और शौविक जो है ड्रग्स लाया करते थे, इस बात को उन्होंने जो है माना है। और ये भी बताया कि 13 तारीख को, हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि घर के अंदर कोई नहीं आया था, लेकिन एक आई विटनेस ने खुद दावा किया है कि नहीं, 13 को जो है सुशांत रिया के साथ एक पार्टी में गए थे और रिया को छोड़ने गए थे। हालांकि नीरज ने यह भी बताया कि उसको जहां तक याद है 8 से 14 के बीच में सुशांत कहीं गए या नहीं, लेकिन ये बात अच्छे से याद है कि घर के अंदर कोई नहीं आया। लेकिन साथ ही उसने ये भी बताया कि सुशांत जो है अगर कहीं जाते भी थे तो मैडम को छोड़ने जाते थे और लेने जाते थे, इससे ज़्यादा वो कहीं नहीं आया जाया करते थे। तो एक बड़ी खबर कि सीबीआई जो है अब धारा 302, ये एक बहुत बड़ी सफलता है सुशांत के फैंस के लिए कि धारा 302 के अंडर जो है अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा, यानी कि हत्या का मामला बनाया जाएगा और सीबीआई के डायरेक्टर कल उस पेपर पर साइन करेंगे। तो ये एक ऑफिशियल हो जाएगा कि सुशांत केस में जो है हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो रिपब्लिक का दावा है कि कल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। वहीं एम्स भी कल अपनी स्टेटमेंट इशू कर सकती है, तो सुशांत केस में कल एक बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है।